यूज़ कर रहे हैं उसके क्या हमें इफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उनको हमें रिमूव करना ही पड़ता है, स्टोरेज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन कुछ थंब रूल्स को अपने माइंड में रखो और अपना जीवन खुशी से भरपूर करो। आज का टॉपिक ख़त्म, अब बताइए कुछ पूछना है तो। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे को ना थोड़ी जैसे दौरे टाइप की प्रॉब्लम थी, तो 2017 से, तो उसका हमने 2 साल से मतलब उसका इलाज करा रहे हैं, दवाई खा रहा है वो, तो उसको दौरा तो नहीं आता है, लेकिन ना उसको जैसे कभी कभी चक्कर जैसे बताता है, चक्कर आ रहा है मम्मी, सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, बस इतना। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है या कैसे, थोड़ा सा अब उस ये बारे में। तो खाली प्रॉपर उसी को प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी कुंडली से देखा जाएगा ये तो सामान। कुंडली में तो आ रहा है मैडम, उसमें लिखा हुआ है मिर्गी की रहेगी इसको कुछ नहीं, वो वैसे साल। नहीं, वो तो मतलब सामान कहाँ पे का एंटी रखा हुआ है, वो उसकी कुंडली से देखा जाएगा, अच्छा, वो आप मुझसे दिखवा लेना, कुंडली आपको भेज दूं मैं? पे करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं पे तो कर दूंगी मैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने मतलब जैसे हमने कुंडली यहाँ बनवाई थी नहीं वो नहीं वाली वो भी। नहीं, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, बस अच्छा कुंडली। ठीक है, वो मैं भेज दूंगी। उसमें क्या है कि इसका कहाँ पे कौन सा सामान गड़बड़ हुआ है, इसकी कुंडली के हिसाब से आपके अच्छा, घर के सामान में आपको दिख जाएगा, वो माँ वास्तु से अटैच हो जाएगा आपको। ठीक है ना, ऐसा होता है, घर में 10 सामान होते हैं, लेकिन जब जिस ग्रह जिस इंसान को परेशान कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में का कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एनएनई में कुछ हो सकता है जो उसको परेशानी दे रहा मैडम है। शायद टीवी रखा है और बोर्ड है मेरे हिसाब से, तो बाकी इतने अच्छे से मुझे नहीं आता है मैप, बाकी जैसा थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है टीवी है, और वहां पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड किसका है, लकड़ी का? लकड़ी का बोर्ड है, दूसरा ऊपर से तारे भी जा रखी हैं, जो जहां से हमारी लाइट आती है पूरे घर ये में। सोच के देखो कि ये कब लगवाया था आपने, टीवी कब का लगा हुआ है? टीवी तो मैम जब से घर बना है तब से ही लगा हुआ है, लेकिन बेटे का जन्म जैसे 2013 में हुआ था और यहाँ हम हैं 2011 से, और जब ये 4 साल का हो गया था 2017 में, तब से इसको प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ठीक। हाँ तो इसकी कुंडली में प्रॉब्लम है, इसकी कुंडली में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, और उसको अभी से सॉल्यूशन कर लो। नॉर्थ ईस्ट में है ये पक्का। जी अब वैसे भी अब नॉर्थ देखो, अभी 16 डायरेक्शन आपने बनाई है, नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है प्रॉपर ये? मैम, थोड़ा सा मेरा मैप ना मुझे लग रहा है मुझसे सही नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, लगभग उधर ही कहीं ऐसे ऐसा कुछ है, या तो एनएनई में है या एनई में है, क्योंकि जो मेरे घर जैसे तारे आई हुई है ना, वो पूरी दीवार से वॉल से आके और पूरी छत पे ही है, जो नॉर्थ की जो पूरी छत है उसी पे ही जा रही है, मतलब ऐसा नहीं, कुछ। छत तो खैर ऊपर है, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट देखो होता है तो, नॉर्थ ईस्ट तो क्या है, कंफ्यूजिंग भी देता है, कंफ्यूजिंग अच्छा, तो मुझे नहीं लग रही, समझ रहे हो? अच्छा तो कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही। जी एनएनई में हो सकता है, एनएनई एनएनई में यही में मुझे हो लग रहा है सकता कि है। शायद और एनएनई में। एनएनई, और एनएनई में क्या होता है, एनएनई में एन और एनी दो डायरेक्शंस आ जाती है ना, एन और अच्छा, एनी। जैसे मेरी मदर को भी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, अभी भी है, नाक में गले में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पानी है इस साइड कोई, जी, पानी बिल्कुल नहीं है इस साइड में, तो रूम सोते हैं बना, कोई, पहले कोई स्टोरेज, सोती थी, पहले पहले सोती थी सोती, कोई मम्मी, स्टोरेज है यहाँ पे? नहीं कोई स्टोरेज नहीं है, पहले था यहाँ पे सोती थी, बेड भी था, जैसे बेड में कपड़े वगैरह थे, तो वो सब मैंने अब हटा दिया है वहां से। हाँ, अब हटाए वो मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, वहां पे सिर्फ ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग भी पूरा नॉर्थ में ही है, इधर की वॉल पे नहीं रखा हुआ, एनएनई में नहीं रखा हुआ। हाँ, तो अब ये हटाएगा, कब से हटाया है ये आपने? तो इसको तो लगभग साल भर हो गया होगा हटाए तब हुए, से उन्हें मम्मी को उन्हें आराम पड़ साइनस में। उतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कई बार बताती हैं जैसे खाना खाती हैं तो, या जैसे गले में थोड़ा बहुत हो जाता है कुछ। तो मैं इसके फिर जो एस्ट्रो वास्तु की जो मेडिकल रेमेडी है वो आपको बता दूंगी मैं देख के, जी, वो थोड़ी सी रेमेडीज कर लेना, उनको आराम पड़ जाएगा। जैसे बेटी भी उधर ही सोती थी ना, तो उसको भी ब्रेन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो
जैसे उसको बता दिया था कि उसके कीड़ा चला गया है दिमाग में, ऐसे कुछ। सभी बेटे को भी प्रॉब्लम हुई थी, एक साथ दो तीन प्रॉब्लम हो गई मतलब। फिर उसके बाद हमने जैसे इसका तो ट्रीटमेंट कराया मैंने, वहां से सारी चीजें बेड वगैरह हटा दिया, इनका सोने का भी चेंज कर दिया। तो फिर उसके बाद इसका तो हमने MRI कराई, तो इसका ठीक आया, ये ठीक है बिल्कुल। मतलब 9 महीने इसकी दवाइयां भी चली थी, उसके बाद बेटी तो ठीक है। कई बार बता देती है हेडक हो रहा है, बाकी वो प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले थी। हाँ, बाकी बेटा भी जैसे बताता है कि मम्मी चक्कर आ रहा है, दौरा तो नहीं आ रहा है उतना जैसे पहले, तो बहुत देखो ज्यादा। चक्कर, देखो सिम्टम्स पकड़ो, चक्कर आ रहा है। चक्कर मतलब क्या, गोल घूम रहा है। हाँ, गोल क्या घूमता है, एनएनई में कुछ गोल घूम रहा होगा। गोल तो टीवी ही रखा है मैडम, वहां मेज एनी और रखी है। एनएनई इस जगह, जैसे कोई एक हमारा एडजस्ट एडजस्ट फैन भी लगा होगा तो वो भी गोल घूमता है। फैन नहीं है, फैन वैसे तो लगा हुआ है छत वाला, एडजस्ट। कोई घड़ी, घड़ी हो कोई। घड़ी नहीं है मैम, वो तो है रोशनदान जिसको बोलते हैं ना, शायद वो आ रहा रोशनदान, हो। हाँ, वो शायद हो तो उसमें, रोशनदान में से हवा आती है, उसमें से ही तारे आ रखी हैं। तारे आ रही। ओ, जी आ गई ना वायरिंग, आ गई जी ना, बिल्कुल। दिख गया ना। इसको रिमूव करके देखिए, और इसकी कुंडली में भी इसी का इफेक्ट आ रहा होगा। अच्छा, तो उसको रोशनदान को ही हटा दूं वहां से, और जंग विंडो भी वहीं बनी हुई है, नहीं रोशनदान नहीं, उन तारों को हटवाइए। तारों को वहां से हटा दूं। जो तारे होती है ना, तारे क्या होती जी हैं, तार लंबी चीज कोई केतु होती है, जी और केतु क्या है, केतु हर जहां कहीं पहुंचता है वो उस जगह को श्रिंक करता चला जाता है। केतु पहुंच गया है तो वहां उस जगह को श्रिंक कर रहा है, वो आपके बच्चों के में, वो माइंड में रहा होगा, वो उनकी कुंडली के हिसाब से उसको वहां से रिमूव करके देखिए, 100% आराम मिलेगा। ना मिले तो फिर आप जो है तब जो है कुंडली दिखवा लेना इसकी, मतलब वहां से तारे हटा दूं, सिर्फ इतना ही तारे हटा दो। करना हाँ, और है। यदि टीवी की कहीं और सेटिंग हो जाए तो उस जगह को खाली कर लो ना, टीवी ही चेंज कर देती हूँ शांति की जगह है वो, पैसों की और शांति की दोनों की जगह है। एनएनई और एनई, जी। वहां से तारे हटते ही जंजाल हट जाएगा सर पे से। देखो तारे सर पे क्या बर्डन आ रहा है तारों का, एनी के पास ही तो है एनएनई। अब आप अपना दिमाग देख लो, आपकी दिमाग है और आपकी आंखें हैं, पास पास ही होते हैं। अब सर पे कोई तुम एक घड़ा भी रख लो पानी का, तो दोनों चीज इफेक्ट होंगी ना। मेरे को भी लग रहा था, मैं कल से उसको टीवी को हटाना चाह रही हूँ वहां से, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन आया नहीं, तो मैं उसको बार बार ये बोल रही हूँ कि यहाँ से हटवा दो इसको, यहाँ से हटवा दो, नहीं लेकिन मैं हटवा के उसको देखो, हटा नहीं पा रही हूँ। नहीं हट जाएगा, वास्तुदेव का नमन करो, जल्दी करवा देंगे वो काम, कोई दिक्कत नहीं तो है। मैं उसको वेस्ट, मैम वेस्ट में ले लूँ या किधर से, क्योंकि वो तार तो आएगी तो जैसे हाँ वेस्ट में ले लो, केबल कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट साइड में बस ध्यान रखना WNW में ना आए, थोड़ा की। WSW में बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। वेस्ट में ले लो और फायदा हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। फिर मुझे बताना रिजल्ट इसका जो भी है, ठीक है और आपको मैटेरियल कल जो है कोरियर होगा आपको।